ओ भाई साहब, आखिर क्या ही इसका टेलर है। लोगों ने जब इसकी पहली झलक देखी तो उसके बाद लोगों को इसका टेलर देखने के लिए उत्सुकता थी, जबरदस्ती थी कि इसका टेलर कब आएगा और कब इसकी मूवी रिलीज होगी। आखिरकार इसका टेलर आ चुका है और इसकी मूवी की रिलीज डेट भी आ चुकी है, जो कि 8 मार्च है। दोस्तों, इसका टेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म फुल जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये फुल हॉन्टेड है। इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक किए यूज किया गया है वो भी फुल हॉन्टेड है। दोस्तों, इस मूवी को एक घर में शूट किया है तो इसके कारण इसका बजट भी करीब 100 करोड़ के आसपास होगा। दोस्तों, इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है फुल हॉन्टेड है, जिसे देखकर लोगों का रूह कांपने लग जाती है। और इस मूवी का जो ट्रेलर आया है वो 2 मिनट 26 सेकंड का है। तो आइए हम उस ट्रेलर के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले मेरा नाम बता देता हूँ, मेरा नाम है विशाल और मैं एक मूवी एक्सप्लेनर हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी का ट्रेलर है वो एक अननोन घर के शख्स में घुसने से होती है। अननोन शख्स अजय देवगन के घर में आता है और उसे कहता है कि मेरी मोबाइल की बैटरी डेड है, तो 15 मिनट के लिए आपके घर में उसे चार्ज करना है, तब तक मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो उसे वहाँ रुकने के लिए कह दिया जाता है। 15 मिनट के बाद जब उसे कहा जाता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी फुल हो चुकी है, आप जा सकते हो, तो वो घर से जाने के लिए मना कर देता है। और इससे अजय देवगन उसे धक्का मार कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अजय देवगन की बेटी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती है, क्योंकि अननोन शख्स एक शैतान होता है जिसने उसकी बेटी कर वशीकरण कर लिया था। शैतान उसे अपने कब्जे में करने के बाद उसे हर चीज करवाता है। उसे कहता है कि चाय की पत्ती खाओ तो वो चाय की पत्ती खाती है। उसे कहता है कि तुम नाचो तो नाचती है। उसे कहता है कि अपने पिता को चांटा मारो तो चांटा मारती है। और उसे कहता है कि गैस की टंकी पर गैस निकालकर आग लगाओ तो वो आग लगाने की कोशिश करती है। अजय देवगन घबरा गया था कि आखिर अपनी बेटी को कैसे बचाए। माधवान उसे कहता है कि मैं आपकी मर्जी से ही आपकी बेटी को अपने घर से ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अजय देवगन मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी को अपनी मर्जी से नहीं जाने दूंगा। उसे बचाने की वो फूल कोशिश करते हैं। वो एक जंगल में जाते हैं जहाँ सुनसान जंगल होता है और अपने हाथ में चक्कू लगा होने के बावजूद भी वो बाइक चला रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना होता है। आखिरकार इस मूवी का ट्रेलर खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आखिरकार इस मूवी में क्या होने वाला है, लोगों का दिलचस्पी बढ़ चुकी है। 8 मार्च का इंतजार है लोगों को, 8 मार्च को इस मूवी को पूरा देखने के लिए थिएटर बुक कर दिए गए हैं अभी से। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैंने जो अपना एक्सप्लेन आपको बताया है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।